Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm good and I hope that you all are going to good. By the grace of Allah Almighty, today we have to study the 6th class English lesson. The topic of our lesson is grateful animal and ungrateful man. So let's start our lesson. जो प्रीवियस लेसन था हमारा यस्टरडे का, वहाँ पे हमने जो सीन जहाँ पे हमारा रुका था वो ये था कि जो अच्छा आदमी है वो दोबारा सांप, शेर और दोनों आदमियों से मिलने उनके इलाके में आता है. अब शेर उसको रिंग देता है, सांप उसको विजिट करवाता है, लेकिन जैसे ही वो सुनार के पास जाता है तो सुनार उसकी झूठी शिकायत बादशाह को लगा देता है कि जो इसके हाथ में जो डायमंड की रिंग है वो आपकी बेटी की है. और उस बादशाह की बेटी जो है वो शेर ने कुछ अरसा पहले शेर ने उसको कत्ल किया हुआ था और उसकी रिंग एक लापता थी. अब वो रिंग जो है वो इस अच्छे आदमी के हैंड में है. तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. द बार्बर वाज नाउ अ कोतवा, अ बेलिफ इन द किंग्स सर्विस एंड प्रमोटली अरेस्टेड अ गुड मैन. अब वो जो हजाम था जिसको अच्छे आदमी ने कुएं से निकाला था, उसकी मदद की थी, वो अब बादशाह की खिदमत में था और वो बादशाह का कोतवाल था और उसने अच्छे आदमी को गिरफ्तार कर लिया. थ्रू हिम इन जेल, और उसको जेल में हवालात में डाल दिया. एंड टॉर्चर्ड हिम, और उसकी तफ्तीश की, उस पर जुल्म किया. द मैन टोल्ड देम ओवर एंड ओवर अगेन दैट ही वाज इनोसेंट एंड दैट द रिंग वाज रियली अ गिफ्ट फ्रॉम अ लायन. आदमी उन्हें बार बार यही बताता रहा कि वो बेकसूर है और ये अंगूठी उसको वाकई में ही शेर ने तोहफे में दी थी. हु वुड बिलीव हिम, उसका कौन यकीन करता. द किंग थॉट ही हैड किल्ड हिज डॉटर एंड स्टोलन द रिंग. बादशाह ने यही सोचा कि इस आदमी ने उसकी बेटी को मारा है और उसकी अंगूठी चोरी कर ली है. सो ही सेंटेंस्ड द गुड मैन टू डेथ बाय बीहेडिंग. तो उसने अच्छे आदमी को सजाए मौत का फैसला सुनाया इन जेल हवालात में. फीलिंग डेस्परेट, बेचैनी महसूस करते हुए, इज़्तिराब महसूस करते हुए, इट अकर टू हिम टू थिंक ऑफ द स्नेक हु हैड वंस अपीयर्ड बिफोर हिम एंड आस्क्ड. जब वो जेल में बड़ा परेशान, अच्छा आदमी परेशान बैठा हुआ था, उसको सांप का ख्याल आया. उसको जैसे ही सांप का ख्याल आया, सांप वहां से, वहां खिड़की के जरिए वहां पे दाखिल हुआ. व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं. द गुड मैन टोल्ड हिम एवरीथिंग दैट हैड हैपेंड. अच्छे आदमी ने उसे सारी चीजें बताई जो कि पेश आई. द स्नेक सेड, सांप ने कहा, आई टोल्ड यू. अब मेरा बच्चा, ये हमेशा रूल होता है ये प्रोनाउंसिएशन का कि जब भी कोमा के आगे डी आ जाए तो आप उसको आई डिड नहीं पढ़ सकते, आप आईड पढ़ेंगे. आई टोल्ड यू नॉट टू रेस्क्यू दोज स्काउंडल्स. सांप ने कहा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन दो आदमियों को, बुरे आदमियों को मत बचाइएगा. बट आई हेल्प यू गेट आउट ऑफ हेयर एज यू हेल्प मी वॉन्ट्स टू गेट आउट ऑफ अ टाइट स्पॉट. अब लेकिन मैं आपकी जरूर मदद करूंगा जिस तरह आपने मेरी कुएं से निकलने में मदद की थी. आई विल गो एंड बाइट द क्वीन, मैं जाऊंगा और मलका को काटूंगा, डसूंगा. यू सेंड वर्ड टू द किंग दैट यू कैन ड्रा आउट द पॉइजन एंड सेव हर लाइफ. मैं मलका को काटूंगा और आप बादशाह को पैगाम भिजवाइएगा कि आप मलका का जहर निकाल सकते हैं और उसकी जिंदगी बचा सकते हैं. आई विल डू द रेस्ट, और मैं आपके लिए कर दूंगा कि मैं उसको पहले डसूंगा, फिर जब आप उसको ठीक करने जाएंगे तो मैं उसका जहर वापस खींच लूंगा. दैट वेरी नाइट, उसी रात, द क्वीन ले सेंसलेस, मलका बेसुध सोई हुई थी, बिटन बाई अ वेनमस स्नेक, उसको एक जहरीले सांप ने काट लिया. द किंग सेंट मैसेंजर्स एवरीवेयर फॉर डॉक्टर एंड मजिशियंस. बादशाह ने तबीबों को और जादूगरों को बुलाने के लिए हर जगह अपने आदमी भेजे. द क्वीन वॉज इन एग्नॉय एंड एवरी वन थॉट हर लास्ट आर हेड कम. मलका की हालत बहुत खतरनाक थी और हर कोई यही सोचता था कि उसका आखिरी वक्त आ गया है. तो आवर टूडेज लेसन एंडेड हेयर. आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड दीज. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो आप नीचे उसको कमेंट बॉक्स में मैंशन कर सकते हैं.
इसको आपने घर पे भी आपने जरूर इसको रीड करना है और इसकी ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन के साथ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ। चलो भी काका दे।